Welcome to Daily Current Affair. Today is 27th of March 2023. The question is, Women's World Boxing Championships, who became world champions? That is C, both A and B. That is Neetu Gangas and Sweety Bora. ठीक है, इन दोनों ने क्या जीता है? World Boxing Championship जो इन्होंने जीती है. आंसर इज सी. तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीतू गेंगिस, उन्होंने जीता है 48 किलोग्राम की कैटेगरी में. क्या जीता है? गोल्ड जीता है. किसमें? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जो कि वीमेन की है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर है उनका नाम है स्वीटी बोरा, उन्होंने 81 किलोग्राम में क्या जीता है? गोल्ड जीता है. तो 48 कैटेगरी में नीतू ने जीता है और 81 कैटेगरी में बूढ़ा ने गोल्ड मेडल जीता है. तो गोल्ड मेडल जीता है मतलब कि चैम्पियनशिप पूरी की पूरी जीती है. कौन सी चैम्पियनशिप? वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की जो चैम्पियनशिप है उसको जीता है. ठीक है, तो 22 ईयर्स ओल्ड है नीतू. वॉन द गोल्ड मेडल इन द मिनिमम वेट कैटेगरी, दैट इज 48. उन्होंने डिफीट किया मंगोलिया की एल तानसेग को 5-0 से हरा के इन्होंने फाइनल मैच में हराया है. और 30 साल की जो है स्वीटी बोरा, उन्होंने 4-3 की विक्ट्री के साथ चाइना की वांग लीना को हराया. ठीक है, इन लाइट हैवी वेट कैटेगरी में. तो इस तरह से इंडिया दो कैटेगरी में क्या रहा है? चैम्पियन रहा है. अब इसी चैम्पियनशिप की बात करते हैं. 6 टाइम की विनर है ये जो चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, ये 6 बार जीती है एमसी मैरी कॉम ने. 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 एंड 2018 को आपने याद रखना है. ठीक है, 6 टाइम विनर है ये. ठीक है, उसके बाद सरिता देवी ने 1 बार जीती है 2006 में. फिर जेनी आरएल ने 2006 में जीती थी, लेखा केसी ने 2006 और निकत जरीन, ये भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकत जरीन ने 2022 में यही वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती थी. हु इनॉग्रेटेड वैदिक हेरिटेज पोर्टल? सो वैदिक हेरिटेज का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, वो लॉन्च किया है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? वैदिक इसके नाम से पता चल रहा है. इसमें जितने भी हमारे पास जो ये पोर्टल होगा ऑनलाइन वेब पोर्टल होगा. ठीक है, इसमें जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो वेदास के बारे में सारी की सारी जो है जानकारी दी जाएगी. तो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया वैदिक हेरिटेज पोर्टल को ऑन 23rd of March 2023 को. कहाँ पे? इंदिरा गांधी जो नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है IGNCA न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट किया है. इसके बारे में जानते हैं. ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यही है कि हमने लोगों को वेदास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है, ताकि जितने भी कॉमन से कॉमन लोग हैं उनके तक वेदा के जो स्टडीज़ हैं, वेदा के बारे में जो भी चीज़ें हैं, वो उन सब चीज़ लोगों को पता चल सके. ठीक है, दिस विल बी ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर द यूजर्स हु वुड लाइक टू सर्च एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैदिक हेरिटेज. ठीक है, तो ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी इसमें किसकी? जो 4 वेदास हैं हमारे पास उनके बारे में कंप्लीट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी. ठीक है, और वैदिक हेरिटेज पोर्टल पे जाके हम इनको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं और वेदास के बारे में जान सकते हैं. ठीक है, दिस पोर्टल हैज़ इस पोर्टल के ऊपर 18,000 से ज़्यादा जो है मंत्र हैं. ठीक है, चारों के चारों वेदास हैं. ठीक है, और इनके ड्यूरेशन है 550 घंटे से भी ज़्यादा. सो इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एन एक्सरसाइज जिसका नाम है सी वायु प्रहार. तो वायु प्रहार जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट हुई है. ठीक है, इन दोनों ने इसको कंडक्ट किया है. कहाँ पे? ईस्टर्न सेक्टर में. ईस्टर्न मतलब कि जो हमारे पास ईस्ट साइड में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह है. ठीक है, LAC जहाँ पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि चाइना के बॉर्डर के पास जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एक म्यूचुअल आपस में, इसको बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन. ठीक है, एक डोमेन इंडियन आर्मी है, दूसरी डोमेन इंडियन एयरफोर्स है. ठीक है, दोनों इंडिया की है, अलग अलग डोमेन्स हैं. इन दोनों की म्यूचुअल आपस में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है. ठीक है, जिसका नाम है वायु प्रहार. कहाँ पे? ईस्टर्न सेक्टर में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े,
ठीक है, अपने डिफेंस में ज़रूरत पड़े तो हम अपनी आर्मी और एयरफोर्स को आपस में मिला के किस तरह से हम अटैक कर सकते हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी देना था। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, फाइटर जेट्स भी होंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होंगे, हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, ग्राउंड फोर्सेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब यही होता है, जिस तरह हमारे पास अलग अलग डोमेन है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ठीक है, मतलब कि वो जो अलग अलग डोमेन्स है, अगर अटैक करने की ज़रूरत है, डिफेंस करने की ज़रूरत है, तो वो तीनों के तीनों जो फोर्सेज हैं वो आपस में मिलकर किस तरह से काम कर सकती हैं। तो यही इसका मेन मोटिव था। तो माता शारदा देवी टेम्पल इनॉग्रेटेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन दैट इज़ डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको बोलते हैं हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वहाँ पे जो माता शारदा देवी जी का टेम्पल है उसको इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में LOC के ऊपर। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया? अमित शाह, जो हमारे पास होम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया माता शारदा देवी टेम्पल को, कहाँ पे? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, कहाँ पे? करना सेक्टर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, द आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल इज डन अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो आपको पता ही है, अगर हिंदू टेम्पल है, माता का टेम्पल है, तो हिंदू स्क्रिप्चर्स के आधार पे ही क्या किया जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शारदा पीठ है, इसको हम शारदा पीठ बोल रहे हैं, माता शारदा देवी जी का टेम्पल है, इसमें जो मूर्ति लगाई गई है माता शारदा देवी जी की, वो डोनेट की गई है श्रृंगेरी मठ से। ठीक है, जो श्रृंगेरी मठ है, उन्होंने ये जो आइडल है, ये जो मूर्ति है, ये दान की है, और उसको हमने इंस्टॉल किया है माता शारदा देवी टेम्पल में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये माता शारदा देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द टीतवाल विलेज, ठीक है, ऑफ करना तहसील इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे आता है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि जब जो ये टेम्पल है, ये हिंदू जो गॉडेस है माँ शारदा, ठीक है, जो कि एक स्वरूप था सरस्वती माता जी का। ठीक है, सरस्वती माता जी आपको पता ही है कि गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, जो ये टेम्पल था ना, यहाँ पे ये जो टेम्पल था, ये पांडवों ने, जब पांडव एग्जाइल पीरियड में थे, तो उस टाइम वो यहाँ पे रुके थे और इन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया था। और बाद में जो किंग थे ललितादित्य मुक्तापिता, ठीक है, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था, इस मंदिर को। ठीक है, कब? 8th सेंचुरी के आसपास। सो इसका आर्किटेक्चर कौन सा है? जो ये टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर कश्मीरी स्टाइल का है। ठीक है, विद वुडन पिलर्स। ठीक है, जो ये पिलर्स हैं, ये वुडन पिलर्स हैं एंड इंट्रैक्टिव कार्विंग्स। ठीक है, तो इस तरह का ये जो है मंदिर है, कहाँ पे सेटअप किया गया है? माता शारदा देवी जी का टेम्पल जम्मू कश्मीर में, तीतवाल विलेज में, करना तहसील में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। वो वॉन 2023 एबल प्राइज। ठीक है, जो एबल प्राइज है, ये दिया जाता है मैथमेटिक्स में, इसको हम मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2023 में दिया गया है, वो दिया गया है LA कैफरेली को। ठीक है, LA कैफरेली, इनको ये दिया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन एंड फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैथमेटिक्स में। तो ये मैथमेटिक्स का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, मतलब कि जिसका नाम है एबल प्राइज, जो कि किसको दिया गया? LA कैफरेली को दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले, सॉरी, जो कैफरेली है, ये बॉर्न एंड रेज्ड अप इन अर्जेंटीना में, ये बॉर्न हुए थे और रेज भी वहीं पे हुए थे, एंड फर्स्ट एबल लिटरेट फ्रॉम द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से ये पहले इंसान है जिनको इस तरह का अवार्ड मिला है, एबल अवार्ड मिला है। तो आज के लिए प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, ऑस्टिन में। ठीक है, तो जो ये एबल प्राइज है, ये 2003 में स्टार्ट हुआ था, इसका नाम था एबल प्राइज। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी रिसर्च करता है, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक अचीवमेंट अचीव करता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये किसके नाम पे रखा गया है? एक नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, नील हेनरिक एबल।
ठीक है, 1802 से 1829 तक इन ये थे, ठीक है, नील हेनरी कैबल, उनके नाम पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की जो अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स है वो इसको प्रोवाइड करते हैं। वी स्टेट और यूटी पास द मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023, ठीक है। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल्स मतलब कि जो मीडिया के पर्सन होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा अटैक हो रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मीडिया पर्सन उनको बचाने के लिए, ठीक है, उन पे अटैक ना हो उनके, उसके लिए एक बिल जो है वो पास किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 वाज पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। इट्स एम इज़ टू गिव द प्रोटेक्शन फॉर द मीडिया पर्सन एंड प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट देम, ठीक है। तो द ऑपोजिशन MLAs डिमांडेड दैट द बिल टू बी सेंड टू द सेलेक्ट कमिटी फॉर of the assembly for examination which was rejected by the speaker चंद्रदास महंत। तो ये बातें फालतू की हैं, आपको बस ये याद रखना है, जो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल है 2023 का, जो मीडिया के पर्सन हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वायलेंस से, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। वी स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही इसको लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना टू प्रोटेक्ट द वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम है ये, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे था 21 मार्च को, तो उसी के अंतर्गत ये जो है ये एक्शन लिया गया। तो आपने ये याद रखना है, ये दोनों आपने याद रखना है, मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये भी किसका है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। सीनिया आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड इन विच कंट्री, दैट इज डी UAE, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सबसे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन, ठीक है, पर्ल टाउन मतलब कि जो ऐसे समुद्र के किनारे पे होता है उसको बोलते हैं पर्ल, ठीक है। तो इस तरह का सबसे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन जो है वो पर्शियन गल्फ के पास ढूंढा है, जिसका नाम है सीनिया आइलैंड, ठीक है। कहाँ पे है ये, यूनाइटेड अरब अमीरात, दैट इज़ UAE में है, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अल क्वावेन एन एमिरेट, सिचुएटेड फ्रॉम सम 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द दुबई। सो जो दुबई है, दुबई के नॉर्थ ईस्ट 50 किलोमीटर के आसपास ये जो है ये एरिया पड़ता है, ठीक है, फाउंड हुआ है, ठीक है। ये है सीनिया आइलैंड, ठीक है, इसका नाम याद रखना है सीनिया आइलैंड, जो कि UAE में है, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट पर्ल टाउन है जो जिसकी जो है खोज हुई है, ठीक है। द डिस्कवरी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ होम्स डेटिंग एज फार एज द रीजन प्री इस्लामिक हिस्ट्री, मतलब कि जब इस्लाम में भी नहीं था उससे पहले की इसकी हिस्ट्री जो है वो बताई जा रही है, लेट 6th century की, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023, ठीक है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी क्या थी, इस बार की थीम थी, ठीक है। द थीम फॉर द 2023 इज फॉरेस्ट एंड हेल्थ, इट हाईलाइट्स द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट लाइक प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एयर, कार्बन कैप्चर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो फॉरेस्ट के क्या बेनिफिट हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अगर फॉरेस्ट होंगे तो अच्छी हवा आएगी, ठीक है, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हो जाएगी और ऑक्सीजन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, क्लाइमेट चेंज की कंडीशंस को भी क्या करता है ये नलीफाई करता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, कुछ एक फॉरेस्ट जंगलों में इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, इस तरह के मेडिसिन प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी लाइफ को सेव करते हैं। तो इस बार की थीम यही है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, ठीक है, आपने याद रखना है। तो इंडिया की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 में,
उसके अकॉर्डिंगली लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड फिर महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर टू क्वेश्चन इज द स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी कंट्रीज है ना, वहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो पूरे के पूरे इंडिया में सबसे हाइएस्ट परसेंटेज है उसका। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है मिजोरम स्टेट में 84%, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 74% एंड नागालैंड 74%। तो ये परसेंटेज वाइज एरिया जितना उनका टोटल 100% एरिया है, तो उसमें से 84% जो मिजोरम का एरिया है वो क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने सिग्निफिकेंट गेन शो किया है फॉरेस्ट कवर में, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका एंड झारखंड। ठीक है, स्टेट्स शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने इनके ये जो है सारे के सारे एक नोट्स के तौर पे लिखने हैं और ये याद करने हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।